अगर साथ को पता चल गया कि मैं अयाज अंतर के कहने पे सब कुछ कर रही हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा ना। लेकिन खैर, मेरी वजह से, मुझे क्या? उसने भी तो हमारे घर में फसाद फैलाने से पहले मेरा नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा, तो मैं क्यों सोचूं? लेकिन एक बात तो है, साथ के ऑफिस से चले जाने से काफी मसला होगा, नहीं? इसकी वजह से थोड़ी सपोर्ट तो थी मेरे पास, मगर सारी जिंदगी मैं उसके सपोर्ट के सहारे थोड़ी जीऊंगी। अयाज़ अंकल बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे भी तो आगे बढ़ना है, नहीं? सारा, तुम्हारा फोन किधर है? नीचे रूम में चार्ज पे लगा हुआ है। मैंने तुमसे इतनी सीरियस बात करनी है और तुम लोग मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगता है? क्या? तुम ऑफिस में हर लड़की के हेयर स्टाइल की बड़ी तारीफें करते हो, आज तक मुझे तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि अपना हेयर स्टाइल चेंज कराऊं। नहीं, तुम ऐसा करो, मैं बाल छोटे करवा लूँ, सूट करेंगे। तो ठीक है, तुम कल मुझे सैलून लेके जा रहे हो। क्या मैं तुम्हारे पीछे? ना, मैं पहले ही बहुत ख्वार हो चुका हूँ, अब मैं सैलून नहीं जा रहा कि दो घंटे बाहर बैठ के वेट करूँ। तो कल तो छुट्टी है। छुट्टी है? छुट्टी है क्या मतलब? वेला नहीं हूँ मैं। ठीक है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सारा, तुम आखिर चाहती क्या हो? कि तुम मुझे कल सैलून लेके चलो। ओके, डन, हम कल सैलून जा रहे हैं। गुड, अब हम काम की बात कर लें। कर सकते हैं, बहुत मजा आ गया।